आदाब, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल VSM प्राइम में, जहां आपको देश विदेश से ताज़ा खबरें मिलेंगी। यह है VSM प्राइम, देश और दुनिया की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा समाचारों पर। धुआंधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, गांव में अनेकों स्थानों पर जमा बारिश का पानी। ज्यादा बारिश होने से खरीफ की फसलों को हानि पहुंचने की संभावना। अपर वर्धा प्रकल्प के मोर्शी डैम के 11 गेट आज सुबह तक खुले हुए होने से इस दृश्य को देखने के लिए जिले भर के पर्यटक बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। मोर्शी डैम अकोला जिले के नायगांव रेलवे मोरी में घुटनों से ऊपर भरा पानी। नागरिक जान हथेली पर रखकर निकाल रहे अपने वाहन, नागरिकों के घरों में घुसा पानी। भारी वर्षा के कारण चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, कई स्थानों पर स्कूल को दिया अवकाश। अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले सुफियान नगर के शरीफा मस्जिद परिसर में घरों में पानी घुसा। बारिश ज्यादा होने से नालियों का पानी नागरिकों के घर में भर गया, जिसके कारण इस परिसर के नागरिक काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। बता दें कि महानगर पालिका को कई बार नालियों की सफाई करने के बारे में शिकायत भी दी गई, बावजूद इसके इस परिसर में साफ सफाई करने वाले ठेकेदारों द्वारा सफाई नहीं किए जाने से आज गरीब लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसका जिम्मेदार मनापा प्रशासन व जनप्रतिनिधि है। आखिर इन गरीब नागरिकों ने किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाना चाहिए, इस तरह का प्रश्न भी निर्माण हो रहा है। प्रशासन के भेदभावपूर्ण रवैये से आम जनता में भारी रोष पनप रहा है।